जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। हाँ जी बच्चे, हमारा जो है वो एसईओ कोर्स चल रहा है, जिसमें आज जो है वो क्लास 2 है हमारी, जिसमें हम एसईओ की टाइप्स, या आप इसे जो है वो एसईओ प्रोसेस का नाम भी दे सकते हैं, उसे जो है वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम एसईओ की जो है वो डेफिनेशन भी देखेंगे, उसके बाद बेसिक चीज जो है वो हम इसमें क्लियर करेंगे। लास्ट टाइम हमने एसईओ की जो है वो हिस्ट्री को देखा था, जिसमें मेरे बेटे मैंने आप लोगों को बात बताई कि मैं बच्चे आप लोगों को, एक मिनट जी मैं जरा वीडियो बंद कर दूं। जी, लास्ट टाइम मैंने ना आप लोगों को बताया था कि जो मैं एसईओ करना आपको बताऊंगा वो होगी तो वेब के लिहाज से, लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी प्लेटफॉर्म की एसईओ के रिलेटेड सजेशन चाहिए, किसी किस्म की कोई इन्फो चाहिए, तो आप मुझसे हेल्प जो है वो ले सकते हो। मैं इंशाल्लाह हर तरह का काम जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि हर प्लेटफॉर्म की एसईओ जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। इसलिए बातों को इंतहाई तवज्जो से सुनना है, जिस जगह पे आप लोगों का क्वेश्चन आए आप लोग मुझसे जो है वो पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसईओ की, ठीक है? एसईओ की सिंपल डेफिनेशन तो आपको पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, स्टैंड फॉर पता है। अब बेसिकली एसईओ है क्या? ये मेरे बच्चे सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, ठीक है, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है किस चीज की? कि जो आपके वेब पेजेस हैं, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं किस चीज के? जो आपके वेब पेजेस हैं उनको रैंक करवाने के लिए। अब वो जो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जो हमने प्रैक्टिस करनी है, वो कितने वे से कर रहे होते हैं, उसकी टाइप क्या है? ये तो एसईओ की डेफिनेशन आ गई। एसईओ में हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं किस चीज की? अपने वेब पेज को टॉप पे लाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं एक राइटर हूं, आवाज नहीं आ रही बच्चे, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा आसमा, ठीक है, थोड़ा सा नेट इशू होगा आपका, उस वजह से बात आवाज नहीं आ रही होगी। क्या कह रहा था जी? सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं किस चीज की? अपने वेब पेजेस को टॉप पे लाने के लिए। जो भी आप वेब पेज बनाएंगे उसको आप रैंक किस तरीके से करवा सकते हैं, टॉप पे किस तरीके से लेके आ सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस का नाम ही एसईओ कहलाता है। जैसे कि मैं एक राइटर हूं, मैंने आपको जो है वो बुक राइट करने वाला काम बताया, और उसमें मैंने आपको चीज बताई कि आप जो है वो किन मेथडोलॉजीज के जरिए से अपने काम को टॉप पे लेके आ सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपना टाइटल, उसके बाद अपना कवर, उसके बाद बच्चे आपने अपना क्या करना है जी, कीवर्ड्स हैं, उसके बाद आपकी पीपीसी बीच में आ जाती है, ठीक है, और आपकी प्राइस, इन चीजों को जब आप जो है वो देखेंगे तो वो आपकी क्या होगी, ऐसी होगी। इसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट की जो है वो एसईओ कर रहे होते हैं। बाकी किसी को भी आवाज इशू है? अलीना, आयशा और दूसरी बरीरा, सबीन, सारा, समरा, हाँ चलें चलें, ठीक हो गया। अब बच्चे जो हमारी टाइप्स हैं वो कितनी किस्म की हैं वो आप लोगों ने जो है वो समझनी है, तो उसकी बेसिकली थ्री टाइप्स हैं, ठीक है, उसकी थ्री टाइप्स हैं। तो वो है क्या, कौन कौन सी? सबसे पहली टाइप है जी, फर्स्ट टाइप है हमारी ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ होती क्या है? ऑन पेज एसईओ से मुराद है कि जो आप फ्रंट एंड एसईओ कर रहे होते हैं ना अपने, दूसरा वेबसाइट की, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये अभी जो है वो इन प्रोसेस है, तो इसकी जो है वो मैं प्रैक्टिकली, अभी तो डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, तो मैं मेरे बच्चे आप लोगों को प्रैक्टिकली भी सारा काम A to Z करके दिखाऊंगा कि आपने प्रैक्टिकली अपने काम की एसईओ किस तरीके से करनी है, ठीक है, हर लिहाज से। तो इसमें जैसे कि ये आपके मेन्यूज आ गए, इसमें आपका टाइटल आ गया कि किस नीच पे जो है वो आप काम कर रहे हो, ठीक है, साथ में आपकी जो है वो पिक्चर्स आ गई, ये मेरे बच्चे आपकी कौन सी एसईओ के लाएगी, ऑन पेज एसईओ के लाएगी। आपकी कौन सी एसईओ होगी? ऑन पेज एसईओ होगी, सही है। इसकी नाम है, आपको एग्जाम्पल एक पिक्चर ओपन करके वो जो है वो दे देता हूँ, ये मेरे पास मौजूद है, ऑन पेज एसईओ। उसके बाद इधर फोटोज में ओपन कर लेते हैं, ओके,
ये चीज आ गई। पहली टाइप मैंने आपको बताई ऑन पेज एसईओ की, दूसरी टाइप है बच्चे ऑफ पेज एसईओ की, ठीक है, सॉरी नंबर टू, ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ क्या है कि जो मेरे बेटे आप मेन एसईओ करने के बाद अपनी वेबसाइट को, अपने काम को बैक लिंक्स के जरिए से प्रमोट करवाते हैं, ठीक है, वो आपकी ऑफ पेज एसईओ कहलाएगी। और तीसरी टाइप है इसकी टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या आता है कि आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड को किस तरीके से मेंटेन करना है, SSL जो है वो आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं, ये बच्चे आपकी टेक्निकल एसईओ कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं इधर पिक्चर्स में आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें जी, ऑन पेज एसईओ में क्या है, आपका कंटेंट आता है कि आप किस नीश के ऊपर जो है वो काम करने जा रहे हैं, कौन सी नीश पे आपने काम करना है, ठीक है। जैसे कि मेरी वेबसाइट जो है वो सर्विसेज की भी है, साथ में बुक राइटिंग के रिलेटेड सारे का सारा मटेरियल इधर मिलेगा, ये वाला सारा काम होगा, ठीक है। सर्विसेज भी है, साथ में जो है वो आपको काम हर तरह का इधर जो है वो मिलेगा, और साथ में कोर्सेज भी होंगे, साथ में ब्लॉगिंग भी चलेगी, ठीक है। तो ये बेटे बेसिकली क्या कहलाएगी, ऑन पेज एसईओ में काम आएगा, आपका कंटेंट, आपके कीवर्ड्स, आपके एचटीएमएल टैग्स होंगे, इंटरनल लिंक्स होंगे। इंटरनल लिंक से मुराद क्या है कि एक पेज से दूसरे पेज में कैसे शिफ्ट होना है, बात समझ रहे हो। ये सिर्फ डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ, वरना ऑन पेज एसईओ प्रॉपर कैसे करनी है वो सारी की सारी बातें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऑन पेज में क्या चीज आएगी। ऑन पेज में बेटे आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगी, मेटा डाटा आ जाएगा, और साथ में आपके यूआरएल आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। कोई क्वेश्चन आए इधर तक तो पूछ सकते हैं, इधर तक कोई बात पूछनी है तो बच्चे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने बात पूछनी है तो बात आगे बढ़नी है, फिर आप ज्यादा सीख पाओगे काम को ना। सर टेक्निकल एसईओ की समझ नहीं आई मुझे, बेटे मैं टेक्निकल जो बताने एसईओ। लगा हूँ ना अभी, इसकी एग्जांपल ऑन पेज एसईओ की हुई ना, तो ऑन पेज एसईओ में कोई जी क्वेश्चन है तो आप बोले, ठीक नहीं, उसमें कोई है। उसके क्वेश्चन बाद बेटे हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ में क्या है, आपके बैक लिंक्स हैं, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग है, उसके बाद सोशल प्रमोशन है, उसके बाद लिस्टिंग्स है, पीआर है, ठीक है, ये दूसरा क्या है जी, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑफ पेज एसईओ करते हो, यानी कि आपने अपने वेबसाइट का लिंक लिया, उसे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, अदर प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर करते गए, जितने क्लिक्स आएंगे तो इस तरीके से भी आपका काम जो है वो रैंक होता जाएगा, यानी कि ट्रैफिक आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका काम टॉप पे आता जाएगा। तो ये मेरे बेटे आपकी ऑफ पेज एसईओ कहलाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ में क्या है, आपके पेज की स्पीड। अब ना इधर बात आती है कि पेज बेसिकली आपका वेबसाइट ही है, ठीक है, और इसमें एक और बात मेरे जहन में आ गई कि आप लोगों ने कभी भी ये चीज माइंड में नहीं रखनी कि वेबसाइट की एसईओ हो रही होती है। बेसिकली एसईओ वेबसाइट की नहीं होती, एसईओ आपके पेज की होती है। कौन सा पेज, जैसे कि ये मेरा अबाउट का पेज है वेबसाइट का, ठीक है, जो कि आप लोगों को नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, ये मैं इधर चला जाता हूँ, बुक मार्केटिंग का अलग पेज है, बुक राइटिंग का अलग पेज है, बुक पब्लिशिंग का अलग पेज है, कवर डिजाइन का अलग पेज है, बुक फॉर्मेटिंग का अलग पेज है, बुक एडिटिंग का अलग पेज है, ये सारे के सारे अलग पेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पेज की अलग अलग एसईओ होगी। समरा जरा गौर से बात सुनिएगा, समरा सादिक, सादिक दी कुड़ी समरा, ठीक है जी। तो हर एक पेज की अलग अलग एसईओ होगी, और एसईओ की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी, और ऑन पेज का भी। जब आप ऑन पेज का कंसेप्ट अपने माइंड में बिठा लोगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ जी मैंने मेन पेज के लिए आज से किस तरीके से एसईओ करनी है। अब जब डिटेल में हम जाएंगे ना एसईओ के, ऑन पेज एसईओ के डिटेल में, तो फिर चीजें आपको पता चलेंगी, हाँ जी जी मैंने टाइटल कैसे देना है, एचटीएमएल टैग कैसे ऐड करने हैं, ये सारी चीजें, ठीक है जी। ये मेरे बच्चे बात इधर तक ओके हो जी, हाँ जी ये वाली बात, ठीक है, कि आपने पर हाँ पेज पे जो जी है वो एसईओ करनी होती है, ठीक है, तो पूरी वेबसाइट की इकट्ठी एसईओ नहीं हो रही होती। उसके बाद ठीक नेक्स्ट है मेरे बेटे हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की।
टेक्निकल एसईओ में क्या आएगा, आपके पेज की स्पीड आ रही है, आपकी साइट का स्ट्रक्चर आ रहा है, उसके बाद साइट मैप्स आ रहा है, इंडेक्सेशन आ रही है, स्ट्रक्चर डाटा आ रहा है, ठीक है, ये सारे का सारा काम है। अब इसमें है क्या कि ये मैंने वेबसाइट जो है वो कर रहा हूँ ना, ठीक है, अब इधर मैं वीडियो ज्यादा से ज्यादा लगा दूं, मेरी वेबसाइट पे ज्यादा क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएं, उसके बाद मेरी वेबसाइट की स्पीड ही ना बढ़े, यानी कि आप लोग अभी तो मैं इधर लिखा ना इस तरीके से ऑफ करता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ, मैंने लिखा जी सिमलिशिज .com, तो हुआ क्या, फौरी से वेबसाइट जो है वो ओपन होगी। अगर आपकी जो है वो ज्यादा क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो ब्राउजिंग में ही लगी रहेगी, जैसे कि हमारा जब रिजल्ट आते हैं ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या अदर पंजाब बोर्ड की या लाहौर बोर्ड की या फैसलाबाद बोर्ड की वेबसाइट जो है वो सिर्फ घूमती रहती है, ओपन ही होती, क्यों, क्योंकि उन पे ट्रैफिक ज्यादा आ रही होती है। इसका मतलब क्या है कि उनकी वीकनेस किस जगह पे है, टेक्निकल एसईओ में, उनकी ऑन पेज एसईओ भी ओके है, ऑफ पेज भी एसईओ ओके है, लेकिन टेक्निकल एसईओ में फॉल्ट है, जिसकी वजह से उनका काम जो है ब्राउजिंग जो है वो ओके नहीं हो रही। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे। इसके साथ साथ ही साथ में बेटे टेक्निकल एसईओ के अंदर क्या चीजें आती हैं कि ये वाला काम मैं भी करा ना आपके साथ ओपन हो जाता हूँ, फिर वो हमारी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, मैं तो ना आपको दिखा देता हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट को, इसी वेबसाइट को, कि जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आपने जो है वो मोबाइल के साथ भी फ्रेंडली करना है, यानी कि जैसे आप सिस्टम पे किसी वेबसाइट को ओपन करते हो ऐसे ही मोबाइल के साथ जो है वो आप लोगों ने इसे ओपन करना है, उसी तरीके से उसका वे जो है वो होना चाहिए, जितनी यूजर फ्रेंडली होगी उतनी ज्यादा जो है वो आपकी वेबसाइट रैंक में जाएगी। समरा बात समझ रहे हो, अगर क्योंकि ज्यादा क्लाइंट्स तो हमारे जी आएंगे मोबाइल से, अगर मोबाइल में फ्रेंडली नहीं होगी तो कभी भी काम टॉप पे नहीं आएगा, लेकिन जब स्टार्ट में था ना तब टेक्निकल एसईओ मैटर नहीं थी करती, जैसे कि मेरी इस वेबसाइट में बहुत सारे ब्लंडर्स हैं, ठीक है, ला मैं दूध कभी, क्योंकि अभी डाटा एंट्री हो रही है, जैसे कि इधर जो है वो कितना जो है वो लिखा जा रहा है बोल्ड फॉर्म में, जो कि एक अच्छी राइटिंग जो है वो नहीं है, ठीक है जी, इसे जब आपको करके मैं दिखाऊंगा सारे का सारा काम, सारी की सारी सेटिंग, फिर आपको इन चीजों का जो है वो पता चलता जाएगा कि हमने इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है, और ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है करना आपने ई कॉमर्स है लेकिन वेबसाइट आपने ब्लॉगिंग के लिए ऐसे बना ली, तो वो तो काम नहीं होके चलेगा, क्यों, क्योंकि आपका यूजर फ्रेंडली वो काम नहीं, जैसे कि ये मेरी फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज की है, इसके अगेंस्ट मैं अमेजोन ओपन कर लेता हूँ या दराज ओपन कर लेता हूँ, ये देखे ना ये क्या है, इनका प्रॉपर एक अलग से एसईओ सिस्टम है, इसकी अलग से एसईओ, क्योंकि इधर भी जाके हम चीजों को सर्च कर सकते हैं, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इसलिए आपके काम का स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है, जो कि आपकी किस टाइप में इन्वॉल्व हो रहा है, किस में हो रहा है जी। हाँ जी बरीरा, समय लग रही है बेटे, आपकी टेक्निकल एसईओ के अंदर ये सारी की सारी बातें शामिल हो रही हैं। अब नेक्स्ट एक बात बताता हूं कि किस, ये तीन तो मैंने चीजें आपको बता दी, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, अब इनमें से कौन कौन सी एसईओ का कितना रोल है, कौन सी एसईओ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके लिहाज से मैंने एक इमेज और डाउनलोड कर रखी है, तो इस इमेज से आपको वाजह तौर पे चीज जो है वो पता चल जाएगी कि किस एसईओ का कितना रोल है, जैसे कि ये कंसिस्टेंट पब्लिकेशन ऑफ इंगेजिंग कंटेंट, ये 26% मैटर कर रहा है, 26% मैटर कर रहा है, इससे मुराद क्या है कि आपने मेरे बच्चे नीश वो वाली फाइंड करनी है जिसमें लो कंपटीशन होगा हाई डिमांड होगा, ठीक है, उसके बाद मेरे बेटे नेक्स्ट 22% क्या चीज मैटर कर रही है, कीवर्ड इन मेटा टाइटल टैग्स, यानी कि जो आपने टाइटल बनाया है उसके अंदर वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं जिसमें कंपटीशन लो होगा और डिमांड हाई होगी, बात समझ रहे हो जी, अब क्वेश्चन करोगे तो बात आगे निकलेगी और ज्यादा से ज्यादा सीख पाओगे बच्चे। अलीना, एक्सक्यूज मी आयशा सर, बेटे, सर टेक्निकल एसईओ में इंडेक्सेशन का क्या मतलब है? बेटे इंडेक्सेशन मैं आपको बताऊंगा कि आपने
अपनी चीजों को जो है वो प्लेस किस तरीके से करना है, यानी कि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा था ना, ये वाली, ये चीजें, ठीक है, ये सारी की सारी, कि आपने इनको जो है वो किस तरीके से आपने करना है, जिसकी वजह से आपका क्लाइंट, आपका यूजर आपके साथ अटैच हो। आपने कलर कंट्रास्ट किस तरीके का रखना है जिससे आपका यूजर जो है वो आपके साथ अटैच हो, ये चीज जो है वो इसमें आ रही होती है। ठीक है सर, बात समझे जी? बाकी आवाम सभी इन समय लग रही है, यस बताते हो बंदे बोल पो फिर अगे बढ़िया जाना। उसके बाद सर। जी मुझे ना मुझे ये समय इस क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो टेक्निकल एसईओ की अभी आपने मिसालें ली एसईओ की, कि जो वेबसाइट की स्पीड होती है वो भी हम इससे बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, तरीका का स्ट्रेटजी होती है उसके लिए। मेरा पुत्र, वो सारा डिटेल में हम करेंगे ना कि टेक्निकल एसईओ अच्छा को कैसे ठीक स्ट्रॉन्ग किया है, जाएगा। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, सिंपल जो है वो स्टार्ट में बेसिक आपके माइंड में कंसेप्ट बिठा रहा हूँ कि चीजें हैं क्या। है तो मेजर पोर्शन यही, ये वाला, ठीक जी। है, आपकी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ है। अब ऑन पेज एसईओ के ऊपर जो है वो दिल करे हमारे 10 लेक्चर हो जाए, 15 लेक्चर हो जाए, उसके बाद ऑफ पेज पे इतने लेक्चर हो जाए, ऐसे ही टेक्निकल पे लेक्चर हो जाए, यही तो मेन चीज है ये। हाँ जी ठीक ठीक हो है गए बच्चे? इस तरीके से ये जी। आप जो है वो देख सकते हो कि कौन सी चीज जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे आपका जो मेजर फैक्टर है ना आपकी एसईओ के अंदर, तो वो मेरे बच्चे आपका ऑन पेज एसईओ है। सबसे ज्यादा जो है वो ये चीज है जो कि आपके काम को रैंक करवा रही होती है, जिसमें आपको मैंने टाइटल, कीवर्ड, ये वाली चीजें बताई। बात समझे जी? ये देख लो ना, सारे का सारा पोर्शन आपका किसके ऊपर, ये एक बैकलिंक्स वाला जो है वो आ रहा है, ये सारे का सारा पोर्शन आपका ऑन पेज एसईओ का है। ठीक है भाई जी? जी 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 बोले। हाँ ये जो आप कीवर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब हमें अपनी वेबसाइट का नाम इस तरीके से रखना चाहिए जिसका जिसके कीवर्ड्स का कंपटीशन कम हो। नहीं नहीं बेटे, वो कीवर्ड टैग्स हमने अलग से ऐड करने होते हैं, जैसे हमने अपने केडीपी बुक्स के अंदर अलग से 7 कीवर्ड्स ऐड नहीं कर रहे होते, यूट्यूब पे 500 जो है वो आप ऐड कर रहे होते हो, इसी तरीके से आपने अपने पेजेस में जब भी कोई भी ब्लॉग आपने अपलोड करना है, कोई भी कंटेंट अपलोड करना है, तो उस कंटेंट के रिलेटेड आप टैग्स ऐड करते हो, तो वो टैग्स बच्चे बेसिकली। बात अच्छा समझे जी? ठीक है, इस तरीके जी से वेबसाइट में भी इस तरीके से आप लोगों ने टैग ऐड करने होते हैं। ओके हो गया जी, आगे बढ़े। हाँ जी सर, उसके बाद मेरे बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो की टाइप बताई, कि ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है और साथ में टेक्निकल एसईओ है, इधर बात आती है कि इन चीजों को करने वाले कौन लोग होंगे, इनको करेगा कौन कौन, कौन से ऐसे लोग होंगे जो के वेबसाइट की एसईओ करने पे मजबूर होंगे, जिनको जरूरत पड़ेगी वेबसाइट की एसईओ करने की। हाँ जी, कोई एग्जांपल, कोई बंदा बता दे कि कौन कौन सा पर्सन जो है वो वेबसाइट यूज कर सकता है, फिर हम जो है वो मखसूस उसकी टाइप्स बनाएंगे। है कोई जेन में? मैसेज कर दिया सर करो। कोई भी बंदा जो अपनी प्रोडक्ट लेके चल रहा है वो अपनी वेबसाइट बनाएगा, उसकी वेबसाइट के थ्रू उसके पास ट्रैफिक आएगी। फिर उसके अलावा जो कोई भी ब्लॉगर है वो अपनी वेबसाइट बनाएगा, तो अब ठीक तो है, और इसके अलावा ज्यादातर काम तो वेबसाइट के थ्रू होते हैं। कोई भी जो बड़े ट्रस्ट होते हैं वो जी अपनी डोनेशंस वगैरह लेने के लिए वेबसाइट बनवाते हैं, वहां ठीक पे है, आके वो फॉर्म उनके पास होता है। और इसी तरह जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, बस स्कूल्स अब हमने की, ना हर इसे इसे मेरे बच्चे हमने जो है वो टाइप्स में डिवाइड करना है। तो फिर मैं बताता हूं इसकी फर्स्ट टाइप। सबसे पहले कौन लोग आएंगे? ब्लॉगर आएंगे। ठीक है, ब्लॉगर वेबसाइट जो है वो क्यों यूज कर रहे होते हैं, किस पर्पज के लिए? अर्निंग के लिए। अब ब्लॉगर को इधर जो है वो अर्निंग कैसे होगी और ब्लॉगर काम कैसे करते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगा, बाकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्लॉगर क्या करेगा? अपना किसी भी नीश पे यूनिक कंटेंट क्रिएट करेगा, किसी भी नीश के ऊपर यूनिक कंटेंट क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद फिर जो है वो उसकी बेस पे उसकी एसईओ करेगा, एसईओ करने के बाद उसकी अर्निंग आएगी। अब अर्निंग किस टाइप से इसे मिल रही होती है ब्लॉगर को? एक तो स्पॉन्सर्ड टाइप में आ सकती है, ठीक है, कि लोग जो जी है अगर आपकी वेबसाइट रैंक है
तो कोई भी कंपनी वाला आपको कह देगा कि आप जो है वो ये वाला हमारा ऐड है, वीडियो ऐड है, एनिमेटेड ऐड है या पिक्चर ऐड है, ये वाला अपनी वेबसाइट पे लगा दो, उसका 1 लाख 2 लाख जितना भी होगा वो चार्ज करता जाएगा। एक तो मेथड ये आ गया। दूसरा मेथड कौन सा होगा? गूगल एडसन के थ्रू। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? बात समझे जी? ये ब्लॉगर जो है वो बेसिकली इस तरीके से अर्निंग कर रहे होते हैं। अब थोड़ा सा मैंने आपको जो है वो इसका बता दिया। उसके बाद नंबर टू पे हम बात करें तो नंबर टू में आपके बिजनेस ओनर्स आ जाएंगे। ठीक है, बिजनेस ओनर आ जाएंगे। अब बिजनेस ओनर से मुराद क्या है? बिजनेस ओनर से मुराद है कि जैसे कि अमेजोन वाले हैं, दराज वाले हैं, उन्होंने प्रॉपर अपनी जो है वो एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद एक प्रॉपर जो है वो अपना कारोबार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अमेजोन है, अलीबाबा है, जितने भी ये वाले लोग हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे जी? बिजनेस ओनर में आएंगे। बात समझे बेटे? यस सर। हाँ, तो क्यों जी, ये वाले बिजनेस ओनर में आ जाएंगे। और थर्ड पार्टी एक और रह गई है, वो कौन से हैं जी? आपके अफिलियट मार्केटर, मैं इसे A.M के नेम से लिख देता हूँ, अफिलियट मार्केटर। वो भी क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फाइबर का जो है वो मार्केटिंग करनी है, या अमेजोन की जो है वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, या दराज की प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, वो क्या करेंगे? अपनी अफिलियट मार्केटिंग करने के लिए अपनी पर्सनल जो है वो वेबसाइट बनाएंगे, उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपना जो है वो लिंक लगाएंगे और उसकी देन मार्केटिंग करेंगे। किस तरीके से करेंगे, कैसे उसकी एसईओ करेंगे? ऑफ पेज एसईओ करेंगे, ऑन पेज करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वो तो बात ओके होगी। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ करेंगे क्या, कि जो आपकी वेबसाइट है, जो आपकी प्रोडक्ट है, उसके लिंक फेसबुक पे शेयर करेंगे, यूट्यूब चैनल पे उसे जो है वो प्रमोट करेंगे। तो ये सारे का सारा तरीका कार होगा जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट पे लोग आएंगे, तो उन्हें जो है गूगल एडसन की मदद से भी रॉयल्टी मिलेगी, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसके बदले भी में भी उन्हें जो है वो पैसे मिलेंगे। बात समझे जी? इधर तक बच्चे, हम जो है वो इसे सुनिए, क्लोज करते हैं। जी जी बोल रहे हैं। मैंने कहा एफिलिएटिंग मार्केटिंग जो है वो अमेजोन और दराज के हद तक होगा फिर, या फिर जो नहीं, बच्चे, इंस्टीट्यूट हर में। जितने जितने प्लेटफॉर्म है ना, सबकी जो है वो आप अफिलियट मार्केटिंग कर सकते हैं। जितनी भी कंपनीज हैं सारी जो है वो अलाउ करती हैं अफिलियट मार्केटिंग करने के लिए, कि आप उनकी अफिलियट मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, उसमें होता क्या है कि एक प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, उस प्रोडक्ट की सेल के ऊपर $10 की प्रोडक्ट है तो $1 आपका, $1 आपसे मुराद क्या कि 10% आपका। बात समझ रहे हो? ये चीज है, उसमें परसेंटेज सेट होती है आपके लिंक के जरिए से, और उसका अलग से स्टोर बन रहा होता है। ठीक है, अमेजोन पे अफिलियट मार्केटिंग करनी है आपने, तो उसका अलग स्टोर बनेगा। स्टोर बनने के बाद आपने उधर से लिंक क्रिएट करवाया किसी भी प्रोडक्ट का, उसे जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगाया, उसे जो है वो प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से लोग जो है वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, क्योंकि वेबसाइट से लोगों का माइंडसेट ओके रहता है, वो कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं कि हाँ ये स्कैम नहीं है, ये लोग रियल में चीज जो है वो ओके प्रोवाइड कर रहे हैं। बात समझ रहे हो जी? जी सारा, कोई क्वेश्चन? सर, सबीन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया है, अमेजोन से रिलेटेड, कि अगर हम जो है वो अमेजोन पे काम कर रहे हैं, हम सेलर सेंट्रल पे भी अपना अकाउंट कर लें, हम केडीपी पे भी कर लें, हम एफिलिएट मार्केटर भी बन जाएं, तो ऐसा पॉसिबल है कि अमेजोन हमें अलाउ कर देगा ये सारी सर्विसेज? नहीं, सिंगल 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 अकाउंट जो है वो बन रहा होता है उधर। ठीक है, वरना किसी भी मोड़ पे जाके जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यानी अगर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो फिर वो मतलब मुझे अपना मार्केटिंग करें, केडीपी अकाउंट एक साइड पे। हाँ जी, केडीपी अकाउंट के लिए आप किसी और पर्सन का अकाउंट बना लें तो वो ज्यादा सिक्योर है। नहीं तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एसईओ को चेक करने के लिए आप अमेजोन की गाइडलाइन को पढ़ें, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करना चाहते हैं तो उसकी गाइडलाइन को रीड करें। तो उसकी गाइडलाइन क्या है, उसकी गाइडलाइन में सारी बातें वाजह तौर पे आप लोगों को बताई होंगी। सही है जी, तो सर इस तरीके से काम इसी आपको तरह होगा। फाइवर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि फाइवर पे अगर मैं कोई सर्विसेज दे रही हूँ तो मैं वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकती हूँ? जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं हल्का सा ना आपको पोर्शन दिखा देता हूँ
फाइवर पे, एक मिनट जी, फाइवर फाइवर फाइवर, कोई एक फाइवर का अकाउंट जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये फाइवर इधर, ठीक है, हल्का सा आपको जो है वो बता देता हूँ ताकि ना काम ओके चले। मैं इसके डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। एक मिनट, अलीना बुखार, ये स्विच टू बाइंग इसे करें और नीचे ले आएंगे आप, ठीक है। इसे जो है वो आप नीचे लेके आए, कर्सर को स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो इधर आके आपको जो है वो शो करवाएगा वो अफिलियट मार्केटिंग का। अल्लाह जन्नत नसीब करे, किस जगह पे है नजर दौड़ाओ, ये अफिलियट, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो फर्दर आप अपना अकाउंट बनाए, सारे काम फर्दर जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये इधर से ज्वाइन नाउ पे क्लिक करो स्टार्ट, तो इस तरीके से आप फाइबर का जो है वो अकाउंट भी बना सकते हो, जिससे लोगों की आप गिग प्रमोट करोगे तो उस गिग प्रमोशन के बदले में आपकी परसेंटेज जो है वो सेट हो जाएगी। बात समझ रहे हो जी? ठीक जी सर, है जी। ये बच्चे इस तरीके से जो है वो आप अफिलियट मार्केटिंग फाइबर पे जो है वो कर सकते हो। ऐसे ही अपवर्क पे, ऐसी बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे जो है वो आप कर सकते हैं, जिस पे आप करना चाहो, जिस तरह का भी आपका क्वेश्चन हो आप बेटे बिला झिझक मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा जो है वो कन्वे करूंगा, अच्छा जो है वो गाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक सर साथ है साथ जी। मेरा दूसरा अकाउंट भी चलता जाएगा। मतलब मैंने किसी भी फ्रीलांसिंग के लिए मैंने अपनी सर्विसेज भी वहां पे ऑफर की हुई है, और साथ जी में एफिलिएट, दोनों चीजें साथ साथ चल हाँ, सकती हैं, चलती ये जाएंगी चलती फाइबर जाएंगी, अपवर्क। उसका कोई इशू नहीं है बच्चे, ठीक ओके, थैंक यू सर, बस है यही जी। पूछना था। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? एज एन एफिलिएट मार्केटर हमें अपनी गिग बनानी पड़ेगी। हाँ जी, नहीं, गिग नहीं बनानी पड़ती, वो आपका अलग से अकाउंट बन जाता है, उधर नीचे जो है वो गिग शो हो रही होती है जिनको आपने प्रमोट करना है, और आपके लिंक के जरिए से कोई भी पर्सन जब भी उस गिग को जो है वो ऑर्डर देगा तो उसके बदले में आपको रॉयल्टी मिलेगी। बात समझ रहे हो? चीज तो वही है उनमें हमारे जैसे मार्केटर मौजूद है ना, जी। तो यहाँ पे भी तो हमें अपनी एसईओ करनी पड़ेगी कि इस हम टॉप पे पे शो हों, ताकि एफिलिएट बेटे वो तो आप मार्केटर। टॉप पे शो करते ही करते हैं, जैसे कि अब बात आपने बोली है ना, तो अब बात से बात निकलेगी तो मेरे माइंड में जो है वो मजीद कंसेप्ट जो है वो क्रिएट कर होते हैं आप लोगों को बताने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बात बोली कि आपने अपनी एसईओ कर दी ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ से आपका काम रैंक होता जा रहा है, ठीक है। जब आप ऑफ पेज एसईओ भी करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका काम मजीद रैंक होगा, नीचे नहीं आएगा। जब लिंक के जरिए से कोई भी पर्सन आपकी गिग के ऊपर आएगा उसके इंप्रेशन भी बढ़ेंगे, क्लिक भी बढ़ेंगे। जब इंप्रेशन क्लिक ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम जो है वो टॉप पे शो करेगा, एल्गोरिथम उसे जो है वो पिक करेगा कि काम जो है वो किस तरीके से हो रहा है। और हमेशा के लिए बात याद रख लेना, कभी भी शॉर्टकट वर्जन यूज ना करना। ये मैंने आपको स्टार्ट में हिस्ट्री में ये बातें बताई थी कि अगर आप शॉर्टकट वे यूज करते हो, शॉर्टकट वे से मुराद क्या है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो उसकी गाइडलाइन को रीड करके काम नहीं करते, तो आपने ऐसे ही तुक्के से जो है वो काम किया है, डिफरेंट यूट्यूब की वीडियो देख ली, उनको देख के जो है वो काम कर लिया, तो आप एक अच्छी एसईओ नहीं कर पाओगे। जब अच्छी एसईओ नहीं कर पाओगे तो होगा क्या कि जब भी उस प्लेटफॉर्म ने अपना एल्गोरिथम अपडेट किया तो आपकी गिग जो है वो डाउन पे आना शुरू हो जाएगी, आपका काम डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप उस तरीके से टॉप पे नहीं जा सकते, इसलिए जब आप उसकी गाइडलाइन के मुताबिक काम करेंगे ना तो होगा क्या कि वो आपको ऑटो टॉप पे जो है वो करता जाएगा। बात समझ रहे हो? वो कभी भी आपको डाउन पे नहीं फेंकेगा। बात क्लियर हुई जी? जो मैंने आपको एल्गोरिथम जी बताया था ना, सिंपल एल्गोरिथम और कोर एल्गोरिथम वाला काम, जब उन चीजों को मद्देनजर रख के आप काम करते हो तो आपके काम के कभी भी एसईओ डाउन पे नहीं जाती, चाहे आप वेबसाइट का काम कर रहे हो, चाहे आप अदर जोन सा मर्जी काम कर रहे हो। इसलिए अपने प्लेटफॉर्म की गाइडलाइन को मस्ट रीड किया करो, वो गाइडलाइन ही बेसिकली आपका एल्गोरिथम है। सही है जी? ओके है, एंड करें फिर? जी सर, ओके है। हाँ ओके, सबीन समरा ओके सर, जी, फरीदा बेटे समय लगी है।
जी सर, चलें ठीक हो गया मेरे बच्चे। दोबारा से मैं इसे अपलोड करवा दूंगा यूट्यूब पे, आप ठीक लोग है। हाँ दोबारा से इसे देख लेना है। बार बार चीजें देखते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होता जी, है। बिल्कुल जी माइनर माइनर सा बता रहा हूँ, हालांकि ये लेक्चर जो 25-30 मिनट में जा रहा है ना, ये 10 मिनट का लेक्चर है। ठीक जी है, ये दस जी जी मिनट का है, लेकिन मजीद बातें बीच में जब चलती हैं तो नॉलेज जो है वो गेन हो रहा होता है, उसे जो है वो करें। चलें जी, ठीक हो गया, जजाक अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ओके।